हार्डवर्क करो, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स कि इसका भाई सिलेक्टर है कि इसका भाई सेक्रेटरी है कि वो मत सोचो. एंड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ओनली ऑन क्रिकेट एंड डूइंग वेल फॉर क्रिकेट. अशोक मंकड, गावस्कर, सोलकर, करसन घावी, अजीत पई, सब बड़े दिग्गज, रामनाथ पारकर, उसके सुधीर नाइक, इन्हें सब बड़े बड़े प्लेयर थे. और रात भर वो कोल डाल रहा था अंदर और हम लोग ऐसे खड़े थे. अरे दादर पहुंचे तो पूरा कोल किसी ने किसी को पहचाना नहीं, इतना ऐसा था. इंटर कॉलेज क्रिकेट होना ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए. हम लोग जब खेलते थे तभी वीज टू गो अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स, वहाँ पे बेडिंग डालने का, खुद का बेडिंग, किधर भी डालने का, टॉयलेट के वहाँ पे भी रहते थे और हमारे ऊपर से लोग जाते थे. बहुत सारे लड़के होते हैं कि वो क्लब में नहीं खेलते हैं, बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन से कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या करना है. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट एट द ग्रास रूट लेवल एंड आई कुड गिव देम एक्सलेंट प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, बिकॉज आई टेक माई एकेडमीज टीम टू इंग्लैंड एवरी ईयर एंड टू प्ले मैचेस. तुम्हारे लाइफ में क्या लेते रहोगे, कुछ देना चाहिए ना. चूज द प्लेस एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर महाराष्ट्र, फॉर मुंबई इन अंडर 14, 16, 19, 23 फर्स्ट क्लास मैचेस फॉर इंडिया ए टीम, इंडिया अंडर 19 टीम, इंडिया टीम एंड आई पी एल एज वेल, हजारों. और जो खेले नहीं उनको जॉब भी मिले. वी प्लेड ओवल मैदान, देन वी प्लेड बॉम्बे जिम खाना, देन वी प्लेड सी सी आई, देन वी प्लेड हिंदू जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, अभी पारसी जिम खाना भी हम लोग खेल रहे हैं. टेंशन जो टेस्ट मैच में होता है वो वन डे और टी ट्वेंटी में नहीं रहता है. वहाँ पे तीन स्लिप, चार स्लिप होते हैं, एक गली होता है, और फिर जब कान के नीचे से बॉल जाती है तो तुम्हारा स्किल लेवल और तुम्हारा मेंटल टफनेस जो होता है वो उभर कर आता है. भाई ये खेल सकता है कि नहीं खेल सकता. ये जो बोलते हैं लोग ना कि हमारे टाइम गया, तुम्हारा टाइम गया, अभी आगे देखो, यू नो, बी इन द मोमेंट. वेलकम टू एस आर जी स्पोर्ट्स. वी आर हियर एट पारसी जिम खाना. वी आर हैविंग विद अस श्री दिलीप वेंगसरकर जी. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते. आपकी वहाँ जब आप खेल रहे थे तभी सेटअप ऐसे रहता था कि स्कूल क्रिकेट, उसके बाद कॉलेज क्रिकेट, बाद में यूनिवर्सिटी क्रिकेट, मुंबई टीम एंड इंडिया, इस तरीके से वो सेटअप था. तो आप कृपया हमें ये बताएंगे कि स्कूल क्रिकेट बेसिकली वो किस तरीके से आगे चलता था और बेसिकली किस तरीके से वो आगे कॉलेज लेवल तक जाता था. मैं हिंदू कॉलेज में रहता था और वहाँ पे सब स्कूल्स कॉलेज का वही हो गया. अरे किंग जॉर्ज स्कूल, उसके बाद पोदार कॉलेज और किंग जॉर्ज स्कूल में हमारे हिंदू कॉलेज में काफ़ी प्लेयर्स किंग जॉर्ज की टीम में खेलते थे और हम लोग अंडर आर्म क्रिकेट काफ़ी खेलते थे वहाँ पे. और तो उन्होंने मुझे देखा, मैं शायद 8-9 साल का होगा तभी, और उन्होंने हमारे कोच को बताया, स्कूल के कोच को, बी एस पाटिल थे, या ऐसे ऐसे प्लेयर अच्छा खेलता है तो आप देखो उनको. तो उन्होंने दिनी कॉल मेड द नेट्स और मैं फर्स्ट सेम सीजन बॉल से खेला. और मुझे याद है फिर एट एज ऑफ 11 आई प्लेड द फर्स्ट इंटर स्कूल जाइल्ड शील्ड मैच एट क्रॉस मैदान. आई वॉज सेंट टू बैट नंबर 10. आई स्कोर 10 रन. आई स्टिल रिमेंबर how I scored those 10 runs. I still vividly remember every shot I played because I batted number 10. और उसके बाद सेमी फाइनल में हम लोग अंजुमन इस्लाम के खिलाफ हार गए. और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई प्लेड फॉर जैल शेन एंड हरीश शेन ऑल्सो. और उसके बाद आई लेड माई स्कूल किंग जॉर्ज इन बोथ जैल शेन एंड हरीश शेन. आई कैप्टन, आई स्कोर लॉट ऑफ रन्स. और देन आई प्लेड फॉर बॉम्बे स्कूल्स, वेस्ट जोन स्कूल्स. हमारे टाइम इंडियन स्कूल्स कच्छ टूर वगैरह नहीं था तो इसके लिए हम नहीं खेल पाए, लेकिन आई प्ले बॉम्बे स्कूल्स एंड वेस्ट जोन स्कूल्स एट टाइम. एंड देन आई जॉइन पोदार कॉलेज फर्स्ट ईयर में बिकॉज आई वॉज टू बी हमारे प्रोफेसर चंदगढ़कर करके थे, तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स एट पोदार कॉलेज. तो मेरी जब 11th की एग्जाम हो गई तो वो उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड प्ले फॉर पोदार कॉलेज, इट्स अ गुड टीम एंड इट्स क्लोज टू योर हाउस ऑल्सो. तो 11th के बाद
आई जॉइन पोदार कॉलेज, मुझे याद है फर्स्ट हमारी इंटर कॉलेज मैच थी, तभी अगेंस्ट जेवियर्स, दैट इज जीएमसी ग्राउंड, जीएमसी वो पुलिस जिम का नाम है वहाँ पे, इट वॉज उन्होंने जीएमसी ग्राउंड पहले ग्रैंड मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, दे हैड स्कोर 325 समथिंग एंड आई ओपन दिन स्कोर 142, माई फर्स्ट मैच फॉर माई कॉलेज 142, और तभी बहुत भीड़ रहने की बहुत सारे, तभी तक तो काफी एस्टैब्लिश क्रिकेटर बने होंगे, एस्टैब्लिश नहीं, आई वाज प्लेइंग फॉर कॉलेज बिकॉज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज, एवरीबॉडी न्यू लाइक यू नो, और उसके बाद स्कोर 142 वहाँ पे, एंड देन वी बीट सिद्धार्थ बाय 6 रन एट द बेबोन स्टेडियम, वहाँ पे इंटर कॉलेज फाइनल थी। इंटर कॉलेज बहुत ही अहम जो क्रिकेट है, क्योंकि क्या है कि स्कूल के बाद कुछ होता ही नहीं है बाद में, अभी शायद अंडर 19 टूर्नामेंट BCCI की है, लेकिन जो अगर देखेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, यू नो द एंटायर कॉलेज कम्स इन चीयर यू अप, अदर द प्रोफेसर्स फैकल्टी दे ऑल कम टू चीयर यू अप, यू नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग काफ़ी होता है वहाँ पे, और वहाँ पे यू डेवलप इन द नॉट ओनली स्किल्स तो आपके पास है, सबका स्किल अलग अलग होता है, लेकिन यू डेवलप आई थिंक मेंटल टफनेस, जो मेंटल टफनेस भी बाद में काम में आता है, इट्स वेरी ट्रू, हाँ, तो वो एक्चुअली गैप ब्रिज होता है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैं भी बोल रहा था कि इंटर कॉलेजिएट इज कम्प्लीटली ओवर फिनिश, एब्सोल्यूट डिफंक्ट आई वुड से, विच इज़ अ सैड थिंग एंड विच इज़ हर्टिंग मुंबई क्रिकेट। इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट होना ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अहम एज ग्रुप है, एंड इफ यू डोंट गिव देम दोज मैचेस, आई थिंक दोज कॉम्पिटिटिव मैचेस, देन यू कैन नॉट डेवलप क्रिकेटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मुंबई एंड फॉर इंडिया, बिकॉज तभी इंटर कॉलेज मैचेस में काफ़ी प्लेयर्स दे डिड वेरी वेल एंड देन दे प्ले फॉर मुंबई, लाइक मी, आई डिड वेरी वेल फॉर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट एंड देन इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट में एक साल खेला, रोहिंटन बारिया एट टाइम बॉम्बे यूनिवर्सिटी वन रोहिंटन बारिया अगेंस्ट दिल्ली इन मैसूर, और हम लोग जब खेलते थे तभी वी यूज़ टू गो बाय अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स, सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में ट्रैवलिंग करते थे, वहाँ पे बेडिंग डालने का, खुद का बेडिंग किधर भी डालने का, टॉयलेट के वहाँ पे भी रहते थे और हमारे ऊपर से लोग जाते थे, ऐसे हमने प्रवास किया है। और जब आई स्कोर्ड 174 इन द फाइनल्स अगेंस्ट दिल्ली एट मैसूर एंड वी वन रोहिंटन बारिया, तभी भी हम लोग स्टेशन पे जब पहुँचे तो हमारा टिकट रिजर्वेशन था ही नहीं, तो माई सेल्फ संदीप पाटिल एंड आई थिंक वन और टू गाइस वी वेर आज बाय द इंजन ड्राइवर, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, मतलब बम्बई जा रहे हैं, तो आपके पास कोई रिजर्व कंपार्टमेंट है? सर रिजर्व कुछ नहीं है, सिर्फ टिकट है, वो भी हमारे मैनेजर के पास है, तो आप इंजन में आ जाओ। तो हम लोग इंजन में खड़े हो गए और रात भर वो कोल डाल रहा था अंदर और हम लोग ऐसे खड़े थे, अरे दादर पहुंचे तो पूरा कोल किसी ने किसी को पहचाना नहीं, इतना ऐसा था। डिफरेंट डेज, लेकिन उसके बाद आई प्लेड इमीजिएटली फॉर मुंबई एंड देन अगेन इंटर कॉलेज आई स्कोर 240 एट द वानखेड़े स्टेडियम अगेंस्ट सिडनी इन सेमीफाइनल्स एंड देन आई प्लेड बॉम्बे, सो दैट वाज अ शॉर्टकट फॉर अस। लेकिन उस वक्त पे मुंबई टीम में ब्रेक थ्रू करना कितना डिफिकल्ट था? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे टीम में तकरीबन 8-9 प्लेयर्स तो दे वर प्लेइंग फॉर इंडिया, अशोक मंकड, गावस्कर, सोलकर, करसन घावी, अजीत पई, सब बड़े दिग्गज, रामनाथ पारकर, उसके सुधीर नाइक, इन्हें सब बड़े बड़े प्लेयर थे। मुंबई खेलना म्हणजे इंडिया खेलना असंच इक्वेशन होतं ऑलमोस्ट, इफ यू से लाइक 8-9 प्लेयर्स टेस्ट प्लेयर्स, बट यू हैव टू डू वेल फॉर मुंबई, दैट्स इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर एस्टेब्लिश करना मुंबई के लिए वो बहुत अहम था। जैसे आपने कहा सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए खेलते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलते हो, मुंबई के लिए खेलते हो। ये अंडर एज टूर्नामेंट्स अभी जो है, अब तो अंडर 12 भी शुरू हुई, ठीक है ना, सो आप मुझे बताओ कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो उतना ही वहाँ रहेगा क्या? ये मेरा अपना, जैसे आपने कहा व्हाट यू राइटली सेड, देखो हैरी शील्ड जैल शील्ड आप खेलते हैं तो यू प्ले फॉर योर स्कूल, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता ही, एंड इफ यू प्ले फॉर मुंबई वो भी होता है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, आई थिंक अंडर 14, 16, 19 मुंबई के टीम के लिए होता है, बट स्कूल और कॉलेज का अलग है, समझा गया?
कि मेरा स्कूल मेरा कॉलेज ऑफकोर्स मुंबई आपको नेक्स्ट डे कॉलेज में जाना है, यू हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट डे, आपको ये भी थॉट आता है क्योंकि पूरा क्राउड स्कूल का कॉलेज का हमारे मैच में आते थे। मुझे याद है हम लोग जब फर्स्ट टाइम व्हेन वी प्लेड इंटर कॉलेज फाइनल एट द ब्रह्मा स्टेडियम अगेंस्ट सिद्धार्थ, वी हैड अ क्राउड ऑफ 5000 पीपल एट द स्टेडियम एंड वी वन बाय 6 रन्स अगेंस्ट सिद्धार्थ कॉलेज। यू कैन इमेजिन द टेंशन वगैरह जो होता एंड दैट्स व्हाई यू डेवलप योर मेंटल टफनेस। अगर वो टेंशन में आप नहीं जा सकते थे नहीं जाते थे तो आप कैसे डेवलप हो सकते थे। Absolutely, man. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी रिवाइव्ड। अगर आप रिवाइव नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्रिकेट विल स्टिल गो डाउन। अब सर ये टैलेंट हंट हो रहा है फास्ट बॉलर्स का मुंबई के लिए, आपके थॉट्स? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि वो क्लब में नहीं खेलते हैं, बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन से कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या करना है। बट इफ इट्स अ ओपन सिलेक्शन इट विल हेल्प दोज प्लेयर्स एंड यू कैन और यू नो अब बहुत सारे क्रिकेटर खेलते हैं क्रिकेट कि जो क्लब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो ऑफिस क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उनको स्पॉट करके इफ़ यू कैन फाइंड एटलीस्ट 4-5 गुड फास्ट बॉलर्स आई थिंक इट्स एक्सेलेंट थिंग। लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल सच है कि लास्ट ईयर हम अंडर 23 सेमीफाइनल हुई और वहाँ स्पिनर्स का ट्रैक बनाया गया। अगर हम लोग ट्रैक्स भी वैसे बनाएंगे तो वो भी हेल्पफुल होना डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को, बिकॉज हमेशा ये यहाँ मुंबई क्रिकेट में आज की तारीख में ज़्यादातर सवाल इस पर ही पूछा जा रहा है कि हमारे पास वनडे के एक दिन में 15 ओवर्स डालने के बॉलर्स नहीं है। इफ द विकेट्स आर मेड फॉर स्पिनर्स यू नो देन यू मस्ट हैव गुड स्पिनर्स टू एक्सप्लॉइट दोस विकेट्स यू नो एंड यू मस्ट हैव गुड बैट्समैन हु आर स्किलफुल टू स्कोर रन्स ऑन दोस विकेट्स। मैं विकेट्स को कभी दोष नहीं देता हूँ। अगर फास्ट बॉलिंग की विकेट है तो यू मस्ट हैव फास्ट बॉलर्स हु कैन एक्सप्लॉइट दैट विकेट, समझा गया? यस। मुंबई वन 41 टाइम्स रणजी ट्रॉफी नो उसमें एक्चुअली हमारे जो बॉलर्स थे उनका बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने मैचेस जीते हैं हम लोग को। अब बैटिंग तो हमारी स्ट्रांग थी यू नो रहेगी भी, लेकिन बॉलर्स मैच जिताते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक पैडी शिवलकर इज द वन आई थिंक वन लॉट ऑफ मैचेस आई थिंक फॉर मुंबई। फिर अच्छे अच्छे बॉलर्स भी थे उसके बाद भी थे, उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग किया। और बिकॉज मुझे लगता है कि यू शुड बी एबल टू प्ले ऑन एनी विकेट, बिकॉज क्या कैसे होता है यू सपोज इफ यू मेक गुड विकेट्स इन मुंबई एंड इफ यू गो आउट एंड इफ दे मेक बैड विकेट्स देन यू शुड बी एबल टू प्ले ऑन दोज विकेट्स एंड स्टिल परफॉर्म एंड स्टिल विन द मैचेस फॉर मुंबई। आपने पैडी शिवलकर जी का नाम निकाला, थाने में आए थे और तभी उनसे मेरी बातचीत हुई थी। फाइनल्स हरियाणा मुंबई के बारे में आपको काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन उसके पहले भी एक टर्निंग स्क्वायर टर्निंग ट्रैक था, राजेंद्र सिंह गोयल बॉलिंग कर रहे थे और तभी आपने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उस वहाँ कपिल पाजी भी खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उस मेमोरी के बारे में आप अगर बात करेंगे हमसे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं वो अगेंस्ट हरियाणा मैच थी, वी वर प्लेइंग आई थिंक एट रोहतक में मैच थी वो यू नो। और मैच के पहले दिन वो लोग विकेट बना रहे थे तो अच्छी विकेट थी, लेकिन मैच के दिन हम लोग जब पहुंच गए उन्होंने विकेट शिफ्ट करके अंडर प्रिपेयर्ड विकेट थी। तो उसमें उनको आपको कपिल कप्तान थे उनके और फिर योगराज भी थे, अशोक मल्होत्रा थे, गोयल थे और सरकार तलवार थे स्पिनर उनके। तो उन्हें स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी थी और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी थी। तो हम लोग तो जैसे अंडर प्रिपेयर्ड विकेट थी तो गोयल ने विकेट लिए, गोयल और सरकार तलवार ने, हमारे 18 पे 5 विकेट थे और फिर मैं और करसन गौरी ने 180 तक लेके गए हम लोग टोटल वो। और 180 में हमारे पैडी शिवलकर ने 2 बार उनको आउट किया। सो दैट वॉज द क्लास, दैट वॉज हिज क्लास। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छी टीम है, you got good fast bowlers, you got good spinners, you got good batsmen, you can win the matches. भले कौन से विकेट पे खेलो। True, very true sir. और हम यहाँ बढ़ते कि एज अ सिलेक्टर आप मुंबई टीम के भी सिलेक्टर थे, इंडियन टीम के भी सिलेक्टर थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। लॉट ऑफ प्लेयर्स वी गेव अपॉर्चुनिटी, सम यंग क्रिकेटर्स हु प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19 इंडिया ए टीम और फॉर इंडिया के लिए, सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज सिलेक्टर।
That's so nice of you, sir. And now, coming to your academy, Dilip Feng Sarkar Foundation, ओवल मैदान जो है, हम लोग वहाँ आपकी टोटल क्रिकेटिंग जो भी एक्टिविटी शुरू है 21 साल से हम देख रहे हैं। उसके बाद माहौल में भी आपने किया, पुणे में किया, और अब जो लेटेस्ट है पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो भी आप कर रहे हैं। तो हमने भी वेरी फ्रैंक, आप सामने हैं इसीलिए आपको नहीं बोल रहे हम, लेकिन एक सीनियर क्रिकेटर, एक लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, उन्होंने इतनी ये सब आफ्टर रिटायरमेंट इतनी सब एक्टिविटीज़ की और बहुत ही मन लगा के की, और उसका प्रोडक्ट जो है आज इंडियन टीम में काफ़ी लड़के जो है खेल रहे। तो आपने ये कितना एंजॉय किया ये सफ़र आफ्टर योर टेस्ट करियर? सी, बहुत ही एंजॉय किया, क्योंकि मुझे कुछ करना था प्लेयर्स के लिए और गेम के लिए। तो इसके लिए 1995 में मैंने फर्स्ट एकेडमी शुरू की ओवल मैदान पे, एंड ओवर द ईयर्स वी आर कोच हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिकेटर्स फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन फ्री ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, बिकॉज दे आर फंडेड बाई सी एस आर फंडिंग, जो होता है ना सी एस आर फंडिंग, लाइक एवरी ऑफ कॉरपोरेट ऑफिस दे हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑन एनवायरमेंट, ऑन हेल्थ, ऑन एजुकेशन और स्पोर्ट्स। यस, लेकिन स्पोर्ट्स पे अगर आप डालते हैं तो यू गेट गुड माइलेज आउट ऑफ इट, वेरी ट्रू, है ना। तो फिर सी एस आर फंडिंग हो गई तो वी कैन चूज द प्लेयर्स, and that is why a lot of players have played for Maharashtra, for Mumbai in under 14, 16, 19, 23 first class matches for India A team, India under 19 team, India team and IPL as well, hazaro. aur jo khele nahi unko job bhi mile, because lot of players, lot of people come from banking sector, they were corporate sector, to ask for the opening batsman, for the middle order batsman, tumhare paas kon hai, acha wicket keeper hai kya, acha fast bowler hai kya, अच्छा स्पिनर है क्या, तो उसमें उनको जॉब भी मिलते हैं। एग्जैक्टली, तो हजारों प्लेयर्स खेल गए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड कंट्रीब्यूट एट द ग्रास रूट लेवल एंड आई कुड गिव देम एक्सलेंट प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, बिकॉज आई टेक माय एकेडमी टीम टू इंग्लैंड एवरी ईयर एंड टू प्ले मैचेस, एटलीस्ट 10 मैच हम लोग खेलते हैं, एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स कम्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, में फर्स्ट टाइम उनका होता है बाहर जाने का, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होते, उनके पास पैसे भी नहीं होते, उनके पास किट भी नहीं होता है। तो वैसे काफ़ी प्लेयर्स खेल के इंडिया को अभी खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। क्योंकि एक गरीब लड़का जो है इस लेवल पे जाता है और उसमें जो है आपको पता रहता है कि आपने भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट इसमें किया है, तो एक अलग फीलिंग रहती है, हाउ इमोशनल इट। देख, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली यू नो आई थिंक समबडी हायर अप आई थिंक इज डूइंग थ्रू मी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो एक माध्यम हूँ उसका, लेकिन समबडी एल्स इज डूइंग थ्रू मी, ऐसा मुझे लगता है। एवरीवन अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स फॉर दैट, एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है पुणे में अभी भी जो टीम है इंग्लैंड की टीम आई है हमारे साथ, आई नो दैट टीम, I have told all the clubs to organize matches for them. They readily did it, including Parsi Gymkhana abhi jo hum log khel rahe hain. First match, I think we played the Oval Maidan, then we played Bombay Gymkhana, then we played at CCI, then we played Hindu Gymkhana, Islam Gymkhana, we Parsi Gymkhana bhi hum log khel rahe hain, aur kal unki last match hai Police Gymkhana pe. Okay. So it's a very good thing. I'm very happy because the kids have come from England, you know, and they get the experience and the exposure of the Indian conditions. So I'm extremely happy about that. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कौन करता है ऐसा, तुम अब मुझे बोलो, कौन, किसी ने किया अभी मेरे पहले? मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ हुआ है, जैसे मैं वही नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है मेरे थ्रू। So nice of you. That is all humbleness from your side, but you are really doing a hard work. It's a thankless job. फिर भी आप कर रहे हैं, thankless job, नहीं नहीं, ऐसे उसमें See, unless you have passion, you can do it. Yes, yes, very true. मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मुझे कि भाई तुम करो करके, नहीं वैसा नहीं है, that because of the passion for the game that makes you happy. And I want to do something for the society. Yes. Yes. कि तुम तुम्हारे लाइफ में क्या लेते रहोगे, कुछ देना चाहिए ना। Absolutely. मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट इनिंग T20 उन्होंने की, 100 किया, मैंने पूरी मैच वो देखी, आगे पीछे भी बैट्समैन आए, वो भी ढैम ढैम करके चले गए, लेकिन ये बंदा जो था शुरुआत बिल्कुल प्रॉपर किया, उन्होंने कोई भी उल्टा शॉट नहीं खेला, टोटल क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेले, और ये टैलेंट जो है ये
ढूंढा आपने, ये हमें भी पता है, आप भले कितने भी हम्बल हो। सिर्फ रुद्रज 12 साल का था तभी, ही इज फ्रॉम प्लेस कॉल्ड सांगवी। ओके, सांगवी इज अ विलेज इन चिंचवड़। अच्छा, वहाँ से आया एट एज ऑफ 12, तो उनको हमने सिलेक्ट किया और 12 साल से हमारे साथ ही है वो। तो एक मैच में उसने कुछ उल्टा सुल्टा मार के आउट हो गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई इवन इन T20 मैचेस यू कैन प्ले क्रिकेट इन शॉर्ट्स, आपको रिस्क लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप सीधा सीधा क्रिकेटिंग शॉट्स खेलो एंड यू कैन स्कोर 100, नेक्स्ट मैच इज स्कोर 100 एंड ही डिडंट प्ले अ फॉल्टी शॉट। एब्सोल्युटली। इवन आई टोल्ड जयसवाल, यस, वो भी मैंने उसको इंग्लैंड लेके गया था मैं, टाइम उसको मेरे एकेडमी भी आता है, मेरे क्लब को खेलता है, मेरा क्लब का कप्तान भी है। सूर्य कुमार यादव ऑल्सो वॉज फ्रॉम माई अकेडमी एंड ही वॉज अ कैप्टन ऑफ माई क्लब टीम दादू यूनियन। बहुत सारे खेले अभी मैं, नाम किसका किसका लूँ सर। लेकिन अभी ये T20 का ज़माना है और जब रैम शॉट होता है, ये होता है, आपको कैसे लगता है, क्या फील होता है कि द गेम हैज इवॉल्व्ड? यस, अभी कैसे है कि ये जो बोलते लोग ना कि हमारे टाइम गया, तुम्हारा टाइम गया, अभी आगे देखो, यू नो, बी इन द मोमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गो इन टू द साइकी ऑफ द यंग क्रिकेटर्स। लेकिन मैं अभी भी जो अंडर 14-16 के बच्चे उनको बोलता हूँ कि यू जस्ट प्ले ओनली क्रिकेटिंग शॉट्स, प्ले स्ट्रेट क्रिकेटिंग शॉट्स एंड कैन स्कोर लॉट ऑफ रन्स, आपको ये शॉट्स मारने की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ एट ऑल यू वांट टू प्ले शॉट यू मे प्ले इन द फैग एंड ऑफ द इनिंग्स, लाइक यू नो कि वहाँ पे सब फील्डर इधर उधर होते हैं, तभी यू कैन टेक अ चांस, लाइक यू नो इफ यू टेक अ चांस। यू आर ट्रू सर, बिकॉज यू नो रैम शॉट खेलते आप यहाँ 6 मिलते हैं और वही अगर गुड लेंथ बहुत बंदा वो सीधा मारता है तो आजकल आपको पता है बाउंड्री लाइन पे भी उसका इस तरीके से कैच, अगर फाइन लेग ऊपर है, फाइन लेग ऊपर है तो वो शॉट आप खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर फाइन अगर मिड ऑन पीछे है तो स्ट्रेट मार के आप आउट हो जाएंगे शायद, यू नो। एग्जैक्ट, तो इट डिपेंड एक्चुअली ऑन सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन भी आप करना चाहिए, वो इवॉल्व। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जब भी करंट क्रिकेटर्स को पूछा जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है, दो से नो दे से वी लाइक टेस्ट क्रिकेट, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स जो है ना वो समझ में नहीं आती मुझे, क्योंकि लोग कहते हैं T20 है, वनडे है, आजकल वनडे इस तरीके से खेला जाता है कि वहाँ भी सेटल प्लेयर्स, प्रॉपर टेक्निक वाले प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं, नॉट लाइक T20। तो फिर जब बोलते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं टेस्ट क्रिकेट हमें अच्छा लगता है, तो दिस इज समथिंग कन्फ्यूजिंग फॉर यू नो व्यूअर्स। नहीं नहीं, कैसा है कि टेस्ट क्रिकेट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। यस, उसमें आपका स्किल लेवल उभर के आता है। If you have skill, then only you can perform. Yes. If you don't have skill, you cannot perform. A good test cricketer can become a good one day or T20 player. Yeah. But the other way can't be true. Like in the sense, a good T20 player cannot be a good test cricketer. Yeah. But a good test cricketer can play any format. Very true. Because the skill level has to be very high to play test match cricket. Yes. You know, and mental toughness, because it's a 5-day game. So how you improvise, how you evolve in the match is very important, because test cricket mein every session is important. You have to plan in every session. Test cricket mein you have to have planning, strategy, everything. T20 mein theek hai, 4 over dala khatam ho gaya hai tumhara. Exactly. But test mein you have to bowl 20 overs in a day. 20 over dalna padta every day. Exactly. तो ये बहुत फर्क है उसमें। We are coming to the point again for fast bowlers. और टेंशन जो टेस्ट मैच में होता है वो वनडे और T20 में नहीं रहता है। Exactly. वहाँ पे 3 स्लिप 4 स्लिप होते हैं, एक गली होता है और फिर जब कान के नीचे से बॉल जाती है तो तुम्हारा स्किल लेवल और तुम्हारा मेंटल टफनेस जो होता है वो उभर कर आता है, भाई ये खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स है वो शॉर्ट बॉल नहीं फेस कर सके, इसके लिए वो नहीं खेल पाए। Exactly. वो T20 में खेल सकते हैं और वो वनडे में खेल सकते हैं। 5 दिन वो अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन 5 दिन का। एवरी समय वही बोले, एवरी सेशन इन टेस्ट मैच इज इम्पॉर्टेंट, एवरी सेशन यू हैव टू गिव ऑफ योर बेस्ट, क्योंकि एक सेशन में स्लैक हो गया एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दो आई थिंक दैट यू मे लूज द मैच, समझा गया? वेरी ट्रू। बट तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वंस यू आर देयर फॉर 6 आवर्स यू हैव टू गिव 200%, यू आर देयर ऑल द टाइम। आई वुड लाइक टू गिव वन मैसेज टू यंग क्रिकेटर्स इज दैट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स इन क्रिकेट। इफ यू डू दैट यू कैन प्ले फॉर एनी टीम, एनी क्लब टीम और एनी ऑफिस टीम, वॉट एवर, और एनी डिविजन फॉर दैट मैटर। बट इफ यू डू वेल,
you know, then you'll be noticed and recognized. And if you do well there, then success will be much sweeter. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क करो, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स. कि इसका भाई सिलेक्टर है कि इसका भाई सेक्रेटरी है कि वो मत सोचो. योर फुल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ओनली ऑन क्रिकेट एंड डूइंग वेल फॉर क्रिकेट एंड विनिंग द मैचेस फॉर योर टीम. टेक प्राइड इन प्लेइंग फॉर द टीम, टेक प्राइड इन विनिंग द मैचेस फॉर द टीम एंड टेक प्राइड इन योर ओन परफॉर्मेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.